आज की क्लास में हम सबसे पहले कैन कैन पेटीकोट सीखने वाले हैं, जिससे आप सब लहंगों में पहन सकते हो। उसके अंदर आपको हर लहंगे में कैन कैन डालने की जरूरत नहीं होगी। सो फॉर दिस वी वांट अ 2 मीटर कॉटन फैब्रिक। यू कैन टेक पेटीकोट फैब्रिक। आप पेटीकोट वाला फैब्रिक ले सकते हो या कोई भी पेटीकोट पे भी आप कैन कैन लगा सकते हैं। हम सबसे पहले पेटीकोट बनाएंगे, उसके ऊपर कैन कैन लगाएंगे। यहाँ पे मैं ये वाला कैन कैन ले रही हूँ। कैन कैन हम लेंगे 3 मीटर। ठीक है, तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो देखो, सबसे पहले मैं फैब्रिक की फोल्डिंग बता देती हूँ। इस तरह से आपका 2 मीटर जितना फैब्रिक जाएगा, 2 to 2.5 मीटर फैब्रिक। ये सेल्वेज है, इट्स सेल्वेज 2.5 मीटर लॉन्ग फैब्रिक। सेल्वेज टू सेल्वेज फोल्डिंग, कानी से कानी मिलाएंगे। ठीक है, और इस तरह से फोल्ड करेंगे। फोल्डिंग रेडी है, अब हम मार्किंग करेंगे। पेटीकोट कटिंग एंड दिस कटिंग विल बी द सेम। पेटीकोट की कटिंग और ये कटिंग हमारी सेम रहने वाली है। यहाँ से हम मार्क करेंगे। फ्रॉम फोल्डेड साइड वी विल मार्क वेस्ट डिवाइड बाई 8 प्लस 1 inches मार्जिन। वेस्ट डिवाइड बाई 8 प्लस 1 inches मार्जिन। दोनों तरफ से हम मार्किंग करेंगे। सो वेस्ट इज 32, 32 डिवाइड बाई 8 4 प्लस 1 5 inches एंड 5 inches। फिर दोनों को हम सीधा लगा देंगे, या फिर आप इस तरह रख के भी काट सकते हो। यू कैन कट लाइक दिस, ऐसे भी आप काट सकते हो। तो हमारी मार्किंग हो गई, अभी काटना है। लेंथ तो मार्क नहीं किया, सबसे पहले हमें लेंथ मार्क करना है। फर्स्ट यू हैव टू मार्क लेंथ। तो देखो, लेंथ हमारी कितनी रहेगी, लेंथ माइनस 4 inches। 4 inches हमारा ये ऊपर रहना चाहिए। नॉर्मल लहंगा लेंथ माइनस 4 inches। सो बेल्ट ऐड करेंगे तो नीचे का मार्जिन आ जाएगा। सो माय लहंगा लेंथ इज 39, आई एम टेकिंग 36 inches। लहंगा लेंथ माइनस 3 inches, तो मेरा वो बेल्ट हो जाएगा। दिस फैब्रिक फॉर बेल्ट, सो 5 inches एंड 5 inch। फर्स्ट लहंगा लेंथ 5 and 5। ठीक है, ये कटिंग हो गई। अभी हम इसको ऐसे रखेंगे, देखो इस तरह से हम रखेंगे। यहाँ पे जितनी लेंथ है 36, सो सेम 36 हियर। राउंड कटिंग। ठीक है, पूरी कटिंग हो गई है। अब दो पीसेस हमारे सेंटर के फोल्ड पे आएंगे, यहाँ से हमें कट करना है। ये वाले पीसेस फोल्ड पे रहेंगे, फ्रंट एंड बैक। जिसकी वेस्ट ज़्यादा होगी उतना कम फ्लेयर आएगा, और ये वाले पार्ट हमारे साइड में जॉइंट होंगे। 4 पीसेस है ये, 2 इस तरफ के 2 इस तरफ। क्लियर? तो किस तरह से हमने काटा, ये कटिंग रेडी है। अब हम इन सब को जॉइन करेंगे। आपको बस ध्यान रखना है कि सेल्वेज आपकी बाहर रहनी चाहिए, सेल्वेज को जॉइन नहीं करना। यू डोंट हैव टू जॉइन द सेल्वेज, सेल्वेज विल बी आउटसाइड। ठीक है, तो इस तरह से हमें सारे पीसेस को ज्वाइन करना है। जो कम वाली वेस्ट है वो ऊपर रहेगी, उसके बाद हम नीचे कैन कैन लगाएंगे। ज्वाइन स्टार्ट करेंगे, सेंटर वाली कली बड़ी रहेगी। वेस्ट टू वेस्ट मैच करना है। पहले मैं एज पे स्टिच करूँगी, कवर स्टिच के लिए। स्टिच ऑन एज, बड़ी सिलाई रखेंगे, फिर उसका उल्टे तरफ सिलाई करेंगे।
सारे स्टिचिंग एक तरफ आने चाहिए। राइट साइड पे मैं एज पे स्टिच कर रही हूँ। कोई भी लहंगे में आपको अगर अंदर कैन कैन डालना है तो इसी तरह से लाइनिंग कट करना होगा। अम्ब्रेला में डालेंगे तो टफ हो जाएगा और वो अच्छा नहीं लगेगा, लटकेगा। कभी भी कैन कैन जैसे ही कैन कैन हमें पेटीकोट जैसे पे डालना होता है। ये हमारी वेस्ट पूरी वेस्ट का हाफ प्लस हाफ हाफ इंच मार्जिन हो जाएगा। अगर वेस्ट बड़ी हो रही है तो हम प्लीट डाल लेंगे। इफ वेस्ट इज बिगर देन वी कैन ऐड स्मॉल प्लीट्स। अभी यहाँ से मैं नेक्स्ट चालू कर दूँगी, पहले दूसरे साइड का ज्वाइन कर। अब दोनों को आपस में ज्वाइन कर देंगे एक तरफ से। वेस्ट से कभी भी हमें ऊपर से स्टिच करना है, कली वाला कुछ भी बनाओ तो हम ऊपर से स्टिच करेंगे, नीचे से नहीं। एक और स्टिच लगा दूंगी। चलो अभी हमें बेल्ट लगाना है और साइड का स्टिच करना है। तो यहाँ से मैं साइड का स्टिच करूँगी 4 इंचेस छोड़ के, लेव 3 to 4 इंचेस एंड स्टिच इस तरह से। मशीन को अंदर रखेंगे, लॉक परफेक्टली। अभी यहाँ से हमारा अंदर चला जाएगा ऐसे, तो इस तरह स्टिच कर लेंगे। चलो अभी हमें बेल्ट लगाना है। ये बेल्ट है 3 इंचेस ब्रॉड हमें चाहिए, 3 है ये, 1-1 का बनेगा, फिर रेडी 1 मिलेगा, एक पीस में ही हो जाएगा मेरा। अभी हम उल्टे तरफ से लगाएंगे बेल्ट, फ्रॉम द रॉन्ग साइड वी विल अटैच। इस तरह बाहर छोड़ेंगे थोड़ा फैब्रिक। पहले हमें वेस्ट मापनी होगी कितनी है। देखो वेस्ट हो रही है 18 जितनी, लेकिन हमें चाहिए 16, तो थोड़ी प्लीट्स आएंगी। और ये बेल्ट देख लेते कितने इंच का है, तो ये भी बराबर है 17 का। वेस्ट हम 34 रख सकते हैं, ठीक है, ये 17 का है। मैं इसके जितना करना है मैं सेंटर बनाऊंगी इसमें, ताकि सेंटर तक मुझे मिलाना है वो। थोड़ी ज़्यादा भी होगी तो चलेगी। यहाँ से हम प्लीट लगा देंगे हल्की हल्की से, जितना हमें ज़्यादा लग रहा है। सेंटर सेंटर में मैच होना चाहिए। आपका बेल्ट आपके वेस्ट के वेस्ट से एटलीस्ट 2 इंच बड़ा होना चाहिए। अब हम आगे की फिनिशिंग करेंगे। आगे की फिनिशिंग करने के लिए इसको इस तरह मोड़ के स्टिच लगा लेंगे। सेम अदर साइड। अब हम इसको फोल्ड करके सिलाई लगाएंगे।
पेटीकोट में नीचे से फोल्ड करना थोड़ा मुश्किल है, लेकिन हम इसमें पतला पतला ही मोड़ेंगे तो इजीली हो जाएगा। धागे हमें पूरे काटने हैं कभी भी आउटफिट बनने के बाद। एक और स्टिच लगा लेंगे, वन प्रेशर फुट अंदर। डन। अब नीचे की फोल्डिंग कर लेंगे, तो लेंथ पहले माप लेते हैं। सो हमें चाहिए लेंथ 36 जितनी रेडी, तो यहाँ थोड़ा थोड़ा मोड़ना है, 35 भी चलेगा। लेंथ शॉर्ट होनी चाहिए इसकी ताकि दिखे ना, क्योंकि हम इसको ऊपर से भी नीचे से पहनेंगे थोड़ा। ये स्टिच लगाते वक्त हमें जहाँ प्लीट है वहाँ प्लीट लगाना है, नीचे वाला खींचना है, स्ट्रेच द डाउन साइड पार्ट। पहले आप यहाँ पे एक स्टिच मार के भी मोड़ सकते हो अगर क्रॉस हो रहा है तो। चलो अब ये तो रेडी है, इसमें हम नाड़ डाल देंगे बाद में। अभी हमें कैन-कैन की सेटिंग करनी है। ये देखिए फ्लेयर भी इनफ है। अभी हम कैन कैन लगाएंगे। अभी ये कैन कैन है, इसको देखते हैं इसकी विड्थ कितनी है। ये जो कैन कैन है वो जंबो साइज का, यानी कि 60 जितनी विड्थ है। दिस कैन कैन विड्थ इज मोर देन 60 इंचेस। नहीं 60 तो नहीं है, 55 है। विड्थ इज 55। सो कभी भी विड्थ में से हमें कट करना होगा। अभी हम 55 को इक्वल 3 पार्ट में डिवाइड कर देंगे। अगर आपके कैन-कैन की विड्थ कम है तो आपको हाफ कर देना है। अब मैं 3 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर दूंगी, 55 डिवाइड बाय 3, 18। 18 इंचेस में मैं ये कट कर दूंगी। ये टोटल 4 मीटर जितना है। 18 18 इंच के 2 पीसेस भी कट करूंगी तो हो जाएगा। मेरी 18 इंच का हम कैन कैन लगाने वाले हैं। कीड़ा चला गया क्या? एटीन इंच का एक मिल गया। ऊपर हमारी प्लेट्स लगेंगी। एक और सेल्वेज में से ही कट कर लेती है ताकि नीचे से हमें कुछ करना ना पड़े। मटर का ये बच गया जो मैं साइड में रख रही हूँ, सैलवेज वाला यूज कर रही हूँ। नॉर्मली 36 का ही होता है, तो कैन कैन की विड्थ आप सेंटर कर सकते हो, सेंटर में से कट कर सकते हो। यू कैन कट फ्रॉम सेंटर। ऑलमोस्ट ऑल कैन कैन विड्थ विल बी 36 ओनली, सो 18 इंटू 18।
तो इस तरह से यहाँ पे मैं पूरा प्लेट डालूंगी, पहले दोनों को ज्वाइन कर देते हैं चलो मशीन पे। चलो प्लेट्स लगाने स्टार्ट करेंगे। ऐसे करके प्लेट्स लगा सकते हैं, अलग अलग तरीके होते हैं। वहां से वीडियो बनाओ, उधर से सब दिखेगा ना। उधर चले जाए। हमें जहाँ कैन कैन लगाना है उससे 3 गुना हमें चाहिए रहेगा। इतने में तो शायद हो जाएगा। अभी हमें आयरन करनी है। अभी हमें इसको आयरन करके सेट करना है। नीचे रहने दो। कैन कैन में आयरन करने से जो फिनिशिंग आएगी वैसे फिनिशिंग बिना आयरन के नहीं रहेगी। कभी भी लहंगे में इस तरह आयरन करके ही डालना है, नहीं तो कैसा रहेगा। देखो ये आयरन वाला और ये विदाउट आयरन। इसलिए हमें आयरन करके ही डालना है। अगर नीचे ये सेल्वेज नहीं होती तो हमें पट्टी लगानी पड़ती। इसमें वैसे तो स्टीम देने की जरूरत नहीं, बट हम यहाँ थोड़ी बहुत स्टीम दे देंगे। आप अगर 3 मीटर कैन कैन में भी सेंटर से कर लोगे तो भी हो जाएगा, इसमें 2 में भी हो जाएगा। इसको इधर ऐसे करो। चलो अभी रेडी है लगाने के लिए। अभी हम पहले उस पर मार्किंग करेंगे। देखो इसकी जितनी लेंथ है हमारी, इससे हम हल्का सा 1 फिंगर ऊपर रखेंगे, तो मार्क कर लेते हैं। देखो ये कितना इंच है, 18 का, 18.5, तो 18.5 ले लेते हैं। उसको भी साथ में दिखाओ। ये 3.5 पे हम लाइन बना लेंगे। डन। चलो अभी लगा लिया जाए।
इसको हम यहाँ पे लगाएंगे, बाद में ये जो एज है वहाँ पे पट्टी से कवर कर देंगे। ये अंदर रहना चाहिए था वो बाहर। कैनकेन को बाहर की तरफ रखेंगे, साइड स्टिच से चालू करेंगे। उधर से दोना, उधर से देंगे तो कैसे लगाऊंगी मैं। इधर कर दो पूरा, इसको इधर कर दो पूरा, इधर रख दो। ये आपको फिर से इधर से वीडियो बनानी चाहिए, इधर से बना। इधर से क्या दिख रहा है? इधर से तो कुछ नहीं दिख रहा। हाँ वो तो ठीक है। पूरा पूरा है, देखो जहाँ मैंने स्टॉप किया था प्लीट्स लगाना वहीं पे खत्म हुआ। मेरे को पेपर वाली कैंची दो, ब्लैक वाली देना। यहाँ से कट कर लूंगी, अभी इसको ज्वाइंट कर देंगे। अभी पूरे पे पट्टी लगानी है, फिर रेडी हो जाएगा। यहाँ पे हम पूरे पे पट्टी लगाने वाले हैं। मैंने नॉर्मल फैब्रिक की पट्टी काट ली, आप वो रखो ना, वो उधर जो गिरा हुआ है उसको उधर रखो, उसके पीछे कपड़े जो गिरे हुए हैं उसको सही करो। वो सारे ऊपर वाले कपड़े पहले मशीन पे रखने होंगे, फिर नीचे की बोरी रखनी होगी। अरे मैंने इसको आपस में जोड़ दिया। यहाँ पे इस पट्टी से कवर कर दूंगी। नीचे का फैब्रिक बिल्कुल भी प्लीट्स नहीं आनी चाहिए। कितना बाकी है? राउंड और है। हिल रहा है।
अब यहाँ से हमें ऊपर से ही मोड़ देना है, तो एक राउंड और होगा अभी। ये कैसा लगा आप सबको? देखो इसकी लेंथ आप देख सकते हो कितनी छोटी लग रही है, क्योंकि नॉर्मल लहंगा मान लो मैं नेवल से पहनूंगी तो ये थोड़ा सा नीचे पहनना पड़ेगा। सब एक दूसरे के ऊपर पहनेंगे तो फिर नीचे से निकल आएगा, तो इसकी इसलिए हल्की सी लेंथ जो है शॉर्ट है, और नीचे से भी देख सकते हो फ्लोर से थोड़ी सी ऊपर है। अगर हम पूरी लॉन्ग लेंथ रख देते लहंगे जितनी, तो हर लहंगे में से हमारा कैन कैन जो है नीचे से दिखता। मैं इसके अंदर ये नॉट डालूंगी, नाड़ा। सेम लेयर आपको ऐड करनी है, अगर आपको सभी लहंगे में अलग अलग कैन कैन डालना है तो सेम लेयर आपको ऐसी ही लेयर बना के रखनी है और नीचे ऐड कर देना है बेल्ट जॉइनिंग के टाइम। इन ऑल टाइप्स ऑफ लहंगा इफ यू वांट टू ऐड कैन कैन देन यू हैव टू ऐड लेयर लाइक दिस, सेम प्रोसेस लास्ट लेयर। नेक्स्ट क्लास में बताएंगे कि इसके ऊपर दूसरा वाले लहंगे अगर हम पहनेंगे तो कैसा लुक आएगा, फुल सर्कुलर वाला। हाफ अम्ब्रेला में तो ये डालने का मतलब नहीं है क्योंकि वो सॉफ्ट फैब्रिक का है। फुल अम्ब्रेला में मैं ज़रूर बताऊंगी कि ये डालने के बाद और बिना डाले कैसा लगेगा। अभी हम नेक्स्ट लहंगे की कटिंग स्टार्ट करेंगे, प्लीटेड लहंगा।